हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे जनरल एंट्रीज करना फॉर क्लास 11 के लिए। तो हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 2nd, ए मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विद 10,000। बिजनेस स्टार्ट हुआ अप्रैल 2nd को। कैश अकाउंट डेबिट, जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो क्या लगता है, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कितना, 10,000। कैपिटल अकाउंट, तो आप लिखेंगे नरेशन, नरेशन में जो ट्रांजेक्शन हुआ रहता है उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हुआ, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। फिर सेकेंड एंट्री है अप्रैल 3 को, डिपॉजिट इनटू बैंक 4,000। बैंक में पैसा जमा किया, बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक के पास पैसा गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा जमा किया टू कैश 4,000। और हम लोग जो ये अमाउंट लिखते हैं ना, एकदम डेबिट और क्रेडिट इस दोनों की लाइन के बराबर ही होनी चाहिए। बैंक में पैसा जमा किया, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक अप्रैल 5 को क्या हुआ, परचेज गुड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, यानी राम से माल खरीदा, कितने का, 4,000 का। तो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, यहाँ पे राम लिखेंगे, कैश नहीं क्योंकि हम लोगों ने उधार ट्रांजेक्शन हुआ ऑन क्रेडिट, ये भी 4,000 का। जब ट्रांजेक्शन उधार होता है तो वहां पे हम लोग नाम लिखते हैं। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, यानी राम से, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं अप्रैल 6 को, पेड कैश टू मोहन, यानी राम को, यानी मोहन को पैसा पेड किया, तो मोहन रिसीवर हुआ, मोहन यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है, मोहन यहाँ पे नाम नहीं लिखते हैं क्योंकि नाम के साथ कभी भी अकाउंट नहीं लिखते हैं। मोहन डेबिट टू कैश, क्योंकि उसको मोहन को पेड किया गया, कितना, 500। बीइंग कैश पेड टू मोहन, मोहन को कैश पेड किया। देन है अप्रैल 10 को, कैश सेल्स यानी नगद माल बेचा, अप्रैल 10 कैश सेल्स यानी माल बेचा, तो क्या आया, कैश आया। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का बेचा, 1,000 का। तो यहाँ पे नरेशन होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 15 को, अप्रैल 15 को क्या हुआ, गुड्स सोल्ड टू सोहन, यानी सोहन को माल बेचा, यहाँ पे हम लोग सोहन को माल उधार बेच रहे हैं, यहाँ पे सोहन उधार खरीद रहा है, सोहन रिसीवर हुआ, सोहन डेबिट टू सेल्स, यहाँ पे हम लोग अगर ये ट्रांजेक्शन कैश हुआ होता तो यहाँ पे हम लोग लिखते कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन सोहन ने पैसा नहीं दिया है तो यहाँ पे हम लोग सोहन डेबिट टू सेल्स उसका नाम लिखेंगे, कितने का, 300 का। तो नरेशन में हम लोग लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड
ऑन क्रेडिट टू सोहन, यानी सोहन को माल उधार बेचा। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 20 को रिसीव कैश फ्रॉम गणेश, यानी गणेश से कैश मिला। तो गणेश से कैश मिला, कैश आया डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट डेबिट टू गणेश, गणेश से आया गणेश। तो यहाँ पे बताया ना कि नाम के साथ कभी भी अकाउंट का यूज नहीं करते हैं। कितना मिला हमको 200, तो हम लोग लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम गणेश। देखिए लिखा गया ना फ्रॉम गणेश, यानी हमें गणेश से पैसा मिला। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 22 को, क्या है विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से पैसा निकाला। जब हम लोग बैंक से पैसा निकालते हैं तो होता है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जब जमा करते हैं तो होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना निकाला 500, तो नरेशन में लिखेंगे बीइंग कैश इन कैश विथ ड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब हमारा ये लास्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 25 को, क्या हुआ गुड्स गिवेन एज फ्री सैंपल, यानी नमूने के रूप में माल दिया गया, यानी माल को हम लोगों ने नमूने के दिया, यानी एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या होगी एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे चाहे आप लोग तो लिख सकते हैं फ्री सैंपल अकाउंट, यानी वही हुआ ही बात, यानी वही बात हुई एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया, या एडवर्टाइजमेंट लिखें या फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज। यहाँ पे परचेज क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि ये हम लोग अपने माल में से हम लोग देते हैं ना, तो हमारे माल कम हो जाता है, इसलिए टू परचेजेस अकाउंट कितने का 500 का। ये भी तो हमारा नरेशन होगा बीइंग गुड्स गिवेन अवे एज फ्री सिंपल। हम लोग ने ट्रांजेक्शन तो कर लिया, हम लोग डेबिट और क्रेडिट साइड का अमाउंट चेक करेंगे कि दोनों साइड का अमाउंट बराबर आया है या नहीं। जब तक कि दोनों साइड का अमाउंट बराबर नहीं आएगा, हम लोग की जनरल एंट्री सही नहीं मानी जाएगी। इसलिए हम लोग को दोनों साइड का अमाउंट सेम ही आना चाहिए, तब जाके हम लोग की जनरल एंट्री सही मानी जाएगी। तो चलिए अब हम लोग चेक करते हैं डेबिट साइड का अमाउंट, 10, 4, 14, 4, 18, 1, 19, ये जोड़ेंगे तो 20, ये 5, 500 जोड़ेंगे तो 21, यानी कि 21,000। देखिए यहाँ पे मैंने सैंपल लिख दिया था, तो यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे 21,000, और क्या करके लिखेंगे ग्रैंड टोटल। और क्रेडिट साइड का जोड़ने पे भी उतना ही आएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब हम लोग की जनरल एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।